सो गया नाराज होकर। उनकी ना को हाँ में बदलना नामुमकिन है साई, बड़ा गुस्सेल स्वभाव है उनका। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उनका पीर फकीरों पर विश्वास ही नहीं है। आपकी महानता जाने बगैर वो, मैंने कहा ना ताई, कौन कब कहां आता है कहां जाता है सब मालिक तय करते हैं। जब ऊपर वाला चाहेगा तब आपके रामचंद्र जी भी शिरडी आ जाएंगे। अब आपने कह दिया तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, बस अब अपनी तरह उन्हें शांत रहना सिखा दीजिए। आप ही ने कहा था ना, भाई बहन का धर्म होता है एक दूसरे की मदद करना, तो क्या आप अपनी इस बहन की ये मदद नहीं करेंगे? सही वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा ताई, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम। रामचंद्र बाबू, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? वो नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे। सुनना होगा उन्हें। आज मैंने तय कर लिया है कि या तो मैं अपनी बात मनवा के रहूंगा या फिर योगस्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो हो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये क्या कर रहे हो रामचंद्र बाबू? अंदर मत जाओ। जाऊंगा, देखता हूं आज बड़े बाबू मुझसे कैसे बात नहीं करते हैं। रुक क्यों गए आप साई? आगे बताइए ना। ताई, उठो और अभी इसी वक्त पंढरपुर जाओ। से कोई गलती हुई क्या? तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है ताई। तात्या, ताई के जाने का प्रबंध करो तुरंत। साई की बात मान लो बेटी, इतने सालों में हमने एक बात सीखी है। साई जो कह रहा है वो भले ही शुरू में हमारी समझ में ना आए लेकिन बिना किसी सवाल किए उस बात को स्वीकारना, इसी में हमारी भलाई है। अगर वो जाने के लिए कह रहा है तो जरूर कोई वजह होगी।
चलिए ताई। लगता है आज भाऊजी घर पे ही है। सुन, प्यार से उनको मनाना शिरडी चलने के लिए। हाँ, अब मैं चलती हूँ। रुक सावित्री, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस वक्त तो इन्हें दफ्तर में होना चाहिए और घर पर ताला, लेकिन घर तो अंदर से बंद लग रहा है। भाऊजी ने छुट्टी ली होगी आज। नहीं सावित्री, बीमारी में भी वो छुट्टी नहीं लेते। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बेचैनी हो रही है। साई का हमारा अचानक से वहां चले जाने के लिए कहना और यहाँ पे ये, मुझे अकेले अंदर जाने में डर लग रहा है। यहां तक मेरे साथ आई हो, अंदर भी चलो ना। ठीक है, चलो। ओम साई राम। जी कहिए, आप कौन हैं और आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? आपका घर? ये तो मेरा घर है। ये कैसे हो सकता है? ये घर तो सरकार की तरफ से मेरे पति को मिला है। मेरे पति का नाम रामचंद्र बोरकर है, मैं उनकी पत्नी चंद्रा। अच्छा अच्छा, आप रामचंद्र जी की पत्नी? नमस्कार वहीनी, आप सही है। ये घर उन्हें ही मिला था, लेकिन सरकार ने अब यह घर मुझे दिया और आज सुबह ही मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रहने आया हूँ। ऐसे कैसे? क्या आप नहीं जानती? क्या ये मकान तो रामचंद्र जी ने कल ही खाली कर दिया था और आज हम आ गए। आज से मकान हमारा है। चंद्रा संभाल खुद को, लेकिन इनके पति कहाँ है? मुझे नहीं पता, मेरे आने से पहले वो चले गए थे। अब आपको ही उनका पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनको देखा तक नहीं। क्षमा कीजिए।
मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। चंद्रा कहाँ गए होंगे? मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ सावित्री? साई ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी मदद कीजिए साई। साई श्रद्धा और सबूरी रखो ताई। ऐसा क्या हुआ होगा जो घर खाली कर दिया इन्होंने? कहाँ गए होंगे वो? चिंता ना कर चंद्रा, भौजी के दफ्तर जा रहे हैं ना हम, वहां पता चल जाएगा सब। तू सबूरी रख। भाऊजी, भाऊजी ये कहाँ है? अंदर के कमरे में है क्या? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं अभी अभी शिरडी से आई हूँ, घर गई थी तो वहां देखा, वहां कोई और ही रह रहा है, और उन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने मकान खाली कर दिया है। अंदर होंगे तो बुलाइए ना उन्हें। आप नजरें क्यों चुरा रहे हैं? क्या हुआ है यहाँ? वो वाहिनी रामचंद्र भाऊ। चुप क्यों हो गए भाऊजी? बताइए ना क्या हुआ? रामचंद्र भाऊ कई दिनों से बड़े बाबू से बात करना चाहते थे, और बड़े बाबू उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे, टाल रहे थे। बहुत सब्र किया उन्होंने, लेकिन कल उनके सब्र का बांध टूट गया। ये क्या बदतमीजी राम? हैं? मैंने तुमसे कहा था ना मैं अभी व्यस्त हूं, मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगा। अभी तुम बाहर जाओ। जाओ, नहीं जाऊंगा। आपको मेरी बात सुननी होगी। लोगों की जान की कीमत पर यह पुल नहीं बनेगा। पुल बनेगा, वही बनेगा और जरूर बनेगा। अपने अहंकार और लालच में आप इतने अंधे हो गए हैं कि लोगों की जान को दांव पर लगा रहे हैं। आप लोग पुल नहीं बना रहे हैं, बल्कि बेगुनाहों की जिंदगियों को मौत के घाट उतारने की तैयारी कर रहे हैं। आपको यह एहसास ना हो कि यह पुल ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा, इतने तो मूर्ख नहीं है आप। फिर क्यों कुछ पैसों के लिए आप अपना ईमान बेच रहे हैं, लोगों के जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अपनी औकात पर रामचंद्र, औकात तो आप भूल रहे हैं। इसीलिए आप अपने पद, अपनी जिम्मेदारियों से अपने आप को ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, मगर मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। रहेगा पांच, नौ बजेगी बांसुरी। मेरे हिसाब से आपकी बनाई हुई योजना इसी लायक थी। आपकी बनाई हुई योजना बकवास थी, कूड़ेदान में फेंकने लायक थी, और मैंने वही किया। आपने सोच कैसे लिया कि मैं अपने उसूलों के खिलाफ जाकर अपने जमीर को गिरवी रखकर यह पुल बनने दूंगा? अगर तुम पुल नहीं बनाओगे राम,
तो कोई और बना लेगा। पुल तो वही बनेगा जिसे मैंने पास किया। तुम अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हो ना, तो भुगतो। तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए मैं तुम्हें निलंबित करता हूं। वो भी एक माह के लिए, बिना वेतन का। काम नहीं तो वेतन कैसा? समझे? आप मुझे क्या निलंबित करेंगे? आप जैसे भ्रष्ट और मुजरिम लोगों के साथ काम करने से मैं खुद इनकार करता हूं, और मैं अभी इसी वक्त इस नौकरी से इस्तीफा देता हूं। रामचंद्र भाऊ ने उसी समय इस्तीफा लिखा और निकल गए। यहां से जाने के बाद उन्होंने मकान खाली कर दिया। मकान खाली करने के बाद वो गए कहां? ये तो मुझे भी नहीं पता बहन। आप एक बार कुद्दूवाड़ी जाकर मुख्यालय में पूछ लीजिए। हो सकता है रामचंद्र भाऊ यहां से निकल के वहां गए हो और वहां किसी को उनके बारे में पता हो। अच्छा हुआ हम दिलावर जी से मिलने गए सही। मुझे वहां जो बात सबसे अच्छी लगी, उन्होंने अमीर हो या गरीब, दावत में सबको समान रूप से स्वागत किया, किसी में कोई फर्क नहीं किया। दिलावर अल्लाह का बंदा है किश, और जो भी ईश्वर के करीब जाता है वो भेदभाव भूल जाता है, क्योंकि ईश्वर को पाने की दिशा में बढ़ाया गया यही पहला कदम होता है। सही कहा आपने साईं। बंद मारिए, छोड़ दीजिए। रुक जाइए। साई, इन लोगों से मुझे बचाइए, मेरी मदद कीजिए। साई, मदद कीजिए। प्रणाम साई, हम आपको जानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि आप इस मामले से दूर ही रहें, क्योंकि ये हमारे गांव का निजी मामला है और हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ भी है। ये दुष्ट आदमी पापी है और हम इसे इसके पाप की सजा दे रहे हैं, तो आप हमें ना रोकें। ऐसा क्या पाप किया है इसने? एक तो ये नीचे जाति का है और दूसरा हम ऊंचे जाति के लोगों के क्षेत्र में अपना घर बनाने की गुस्ताखी कर रहा है। आपका क्षेत्र? ये सीमा देख रहे हैं साई, सीमा के इस पार हम लोग रहते हैं
और सीमा के उस पार इसके जाति के लोग, और यही हमारे गांव की परंपरा रही है। लेकिन ये खुद को इतना बड़ा समझने लगा है कि हमारी जमीन पर अपना घर बनाने की जरूरत कर रहा है। ये देखिए साईं, आप लोगों की घोषित सीमा से केवल दो कदम ही तो आगे बढ़ा है ये बेचारा, और देखने से ऐसा लग रहा है कि काफी छोटा घर बनाने की कोशिश की है इसने। इस बात के लिए इतनी बड़ी सजा? हीरा चोर या खीरा चोर, करता तो चोरी है ना, इसने गुनाह किया है, दुस्साहस किया इसने। सोचा भी कैसे कि ये हमारी बराबरी करेगा। घर बनाने का हक तो सबको है, अगर इसने ऐसा सोचा है तो ये इसका गुनाह नहीं है, इसकी मूल आवश्यकता है। और मूल आवश्यकता का कोई हनन नहीं कर सकता है। हमने इसके किसी भी अधिकार का हनन नहीं किया है साईं, हनन तो इसने किया है अपनी मर्यादा भूलकर, ये सीमा तोड़कर। ये छोटी जाति का है, इसे अपने समाज के बीच अपना घर बनाकर उनके साथ रहना चाहिए। इन लोगों से साफ कहा गया है कि ये सीमा के उस पार रहेंगे, लेकिन इसने हिमाकत की, बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़ा है इसने। हम इसे इसी पाप के लिए सजा दे रहे हैं। अगर इसे आज सजा नहीं दी तो कल इसके जैसे और लोग यही जुर्रत करेंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.